नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में इंडी गठबंधन को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन के टूटने के कयास लगाए जाने लगे हैं। रविवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने 42 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, टीएमसी की तरफ से सभी 42 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया, हालांकि पहले जो है कांग्रेस की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही थी कि अभी तक दरवाजे नहीं बंद हुए हैं, बातचीत लगातार जारी है, लेकिन 42 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जाने का मतलब साफ तौर पर है कि इंडी गठबंधन से ममता बनर्जी ने अपने आप को साफ तौर पर अलग कर लिया है, कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में फिलहाल कोई भी गठबंधन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उधर दूसरी तरफ टीएमसी के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। इस मामले में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बार बार पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ सम्मानजनक सीट बंटवारा समझौता करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमेशा ये कहा है कि इस तरह के समझौते को बातचीत के माध्यम से अंतिम रूप दिया जाना चाहिए, न कि एक तरफा घोषणाओं से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा से चाहती थी कि भारत समूह एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी से लड़े। तो टीएमसी ने इस बार बंगाल में होने वाले चुनाव को बंगाल बनाम बाहरी का मुकाबला कर दिया है, लेकिन जिस तरह से टीएमसी ने उम्मीदवारों की घोषणा की है, उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस मामले में बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने ममता बनर्जी पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया और उन पर बंगाल को पीछे धकेलने का भी आरोप लगाया। तो बीजेपी ने बहरामपुर से क्रिकेटर यूसुफ पठान को उम्मीदवार बनाए जाने पर निशाना साधा। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने ट्वीट में लिखा, टीएमसी के बहरामपुर से उम्मीदवार यूसुफ पठान गुजरात के बड़ौदा से हैं या पश्चिम बंगाल से। टीएमसी की सूची उन लोगों से भरी हुई है जिन्हें ममता बनर्जी बोरीगोटस कहती हैं। उनकी विभाजनकारी राजनीति पर शर्म आती है जो पश्चिम बंगाल को पीछे धकेल रही है। तो टीएमसी से अर्जुन सिंह का टिकट कटने पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया सामने। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी को अर्जुन सिंह पर भरोसा ही नहीं था। अर्जुन सिंह के ओरा कोनो दिन ही विश्वास करे ना, हमरा जानी তিনি এই দুয়া বছর যে গেছিলেন ব্যারাকপুর এলাকার বিজেপি কর্মীদেরকে কোথাও উত্তপ্ত বা আক্রমণ করেন। তার যৌথ পরিবারে থাকা পুত্র পবন সিং কখনো তার বাবা তার ছেলেকে প্রেসার করেনি যে তুমি বিজেপি ছাড়ো। वही टीएमसी नेता अर्जुन सिंह का टिकट कटने से वो बेहद नाराज चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी को इसके बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। ঠিক করিনি কেন, দল আমাকে নিয়ে এসেছিল টিকিট দেওয়ার ব্যারাকপুর কমিটমেন্ট করে। এই পার্টি আগে বলে দিত আমি দেব না, আমাকে বলা হয়েছিল ব্যারাকপুরে টিকিট দেওয়া হবে। तो वही दूसरी तरफ बीजेपी की नेता प्रियंका टिब्रेवाल ने शत्रुघ्न सिन्हा और शाहजा शेख के बहाने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और साफ तौर पर कहा कि जिन लोगों को टीएमसी ने टिकट दिया है उन पर कई तरह के आरोप लगे हैं। तृणमूल के रियल और रियल लाइफ हीरोज में समानता देखिए। एक तरफ है शत्रुघ्न सिन्हा जो उनके रियल हीरो हैं और वो सिनेमा के माध्यम से औरतों का बलात्कार करते हैं सिनेमा में। दूसरे हैं उनकी पार्टी में शाहजहां जैसे लोग जो जमीनी स्तर पर संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो है सामूहिक बलात्कार करते हैं, और ममता बनर्जी जो है कहती है कि वो उनके बेहतरीन लड़के हैं और उनको फंसाया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो उनकी लिस्ट आई है उसमें आप देखिए कितने ऐसे लोग हैं जो टेंटेड है, जिन पे दाग है और करप्शन के केसेस पेंडिंग है, मगर उसके बावजूद ममता बनर्जी ने महुआ मित्रा जैसी लोगों को टिकट दी है।